दोस्तों, अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि लो बजट में मुझे गूगल एड्स से कन्वर्जन्स मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लो बजट में गूगल एड्स रन कर सकते हैं और एक अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हैं। कुछ 5 to 6 पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप फॉलो करें और उन पॉइंट्स को जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे, आपकी जो गूगल एड है वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड और थोड़ी सी लो बजट में आपकी रन होना स्टार्ट हो जाएगी, देन आप लो बजट में रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी गूगल एड्स रन करें तो आपको कीवर्ड्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेने हैं, और जो कीवर्ड्स आप लॉन्ग टेल में ले रहे हैं उनको एग्जैक्ट मैच में लेना है। एग्जैक्ट मैच में होगा क्या, एग्जैक्ट मैच में आपके पास जरूर आपके पास रीच कम होगी, लेकिन आपके पास टारगेटेड ट्राफिक आएगा। जब टारगेटेड ट्राफिक आएगा, रीच कम होगी, तो लो बजट में आपका एड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ब्रॉड मैच में ले लेते हैं, मैच में ले लेते हैं। अगर बजट लो है तो ब्रॉड मैच में आपके पास रिलेटेड टर्म्स आने लगती हैं, मिस स्पेलिंग्स आने लगती हैं, देन आपका बजट वहीं पे लाइक जो भी है फिनिश हो जाता है और आपको कोई कन्वर्जन्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लें कि अगर बजट लो है तो हमें एग्जैक्ट मैच में जाना है लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ, और थोड़ा सा ठीक ठाक बजट है तो आप फ्रेज मैच में भी जा सकते हैं, और फिर ब्रॉड मैच सबसे लास्ट में। अगर बजट काफी अच्छा है देन आप ब्रॉड मैच में, लेकिन लो बजट में एग्जैक्ट में जाए। अब सेकंड पॉइंट है, जब भी आप गूगल एड्स रन करें तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी रखें। लाइक क्या होता है कि हम जब भी लाइक एड रन करते हैं तो कुछ नेगेटिव कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कन्वर्जन्स नहीं रहता है, और उन कीवर्ड्स पर भी हमारी एड शो होने लगती है। तो देखो, आपके बिजनेस से रिलेटेड जब आप एड रन करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स का एक सेक्शन आएगा। इसमें सर्च कीवर्ड में आपने जितने कीवर्ड चूज किए होंगे, आपको मैंने लॉन्ग टेल एग्जैक्ट मैच में बोला है, तो जितने कीवर्ड आपने चूज किए होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर जब आपकी एड चलेगी और यूजर आपकी एड पर क्लिक करेगा, जिस कीवर्ड को सर्च करके वो क्लिक करेगा वो आपके यहाँ पे सर्च टर्म्स में आ जाएंगे और गूगल एड के डैशबोर्ड में भी शो हो जाएंगे। उन सर्च टर्म्स को देखकर, ये जो सर्च टर्म है, इन सर्च टर्म्स को देखकर अपनी एक लिस्ट तैयार करें कि ये कीवर्ड्स पर मुझे कोई कन्वर्जन्स नहीं आता है, उनका नोटपैड पे एक लिस्ट तैयार करें, एंड देन उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दें। यानी कि करना क्या है, जो कीवर्ड्स पर आप ऐड रन कर रहे हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ऐड रन करें, फिर सर्च टर्म में जाके या फिर जो हमारे गूगल एड के डैशबोर्ड में जो रिलेटेड सर्चेज आती हैं जिन पर क्लिक्स आ रहे हैं उनको देखें, सर्च टर्म्स आ रही हैं उन पर उनको देखें, एंड देन उनमें देखें कौन से कीवर्ड्स फालतू हैं जिन पर फालतू क्लिक्स आ रहे हैं, उनको आप नेगेटिव में इंस्टेंट ऐड कर दें। तो ये दो पॉइंट सबसे पहले आप नोट कर लें। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट है आपका जो गोल है, जब आप गूगल एड रन करते हैं तो अपना गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें कि लाइक आपको सर्च एड चलानी है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको वेबसाइट ट्रैफिक पे अपनी एड चलानी है, आपको सेल एड चलानी है। जैसे हम यहां पे न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सेल चूज करना है या फिर हमें लीड चूज करना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप सर्च एड चलाते हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, ये लो बजट में जाता है। अब आप अपनी ब्रांड को अवेयर कराना चाहते हैं, आप वीडियो एड रन करना चाहते हैं, आप वीडियो एड में लो बजट में एड रन करना चाहते हैं, देन आप ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच ले सकते हैं। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें एंड देन आप लो बजट में यहाँ पे जो आपका गोल है वो लाइक सिलेक्ट कर लें। जैसे वेबसाइट ट्राफिक जाता है लाइक लो बजट है तो वेबसाइट ट्राफिक आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। लाइक थर्ड पॉइंट की बात हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप एड रन करें तो सिंगल एड ग्रुप रखें। अगर आपका बजट लो है, आप सिंगल एड ग्रुप के साथ जाएं, सिंगल एड बनाएं और देन आप एड रन करें। आपके कुछ कीवर्ड्स होंगे, एग्जैक्ट मैच में होंगे, लॉन्ग टेल होंगे, सिंगल एड ग्रुप होगा एंड सिंगल आप एड बनाएं। आप मल्टीपल के साथ मत जाएं अगर आपका लो बजट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप ये नोट कर लें कि सिंगल एड ग्रुप के साथ हमें जाना है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में टारगेटिंग की। तो वो टारगेटिंग जब भी हम करते हैं तो एक स्पेशल आप लाइक आप देख लीजिए, सबसे पहले आप अपनी लाइक कोई पर्टिकुलर लोकेशन, जिस लोकेशन पर आप एड रन करना चाहते हैं, मान के चलो आप किसी सिटी में हैं, आप लाइक भोपाल सिटी में हैं, आप भोपाल में एड रन कर रहे हैं, तो आपने भोपाल सिटी यहाँ पे टारगेट कर लिया।
अब जब आप एड रन करेंगे तब आप देखेंगे कि इस एरिया से सही क्लिक्स आ रहे हैं और इस एरिया से कन्वर्जन आ रहे हैं। आप कन्वर्जन ट्रैकिंग अपनी जो आपकी एड है उसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करके रखें, जिससे आपको लोकेशन पर कन्वर्जन पता चल जाए। तो आपने 3 to 4 days एड रन किया, मैंने देखा कि मुझे ये पिन कोड पर अच्छे कन्वर्जन आ रहे हैं जबकि और जो पिन कोड्स हैं उन पर फालतू क्लिक्स आ रहे हैं। तो जो पिन कोड आपके काम के नहीं हो, जो पोस्ट कोड आपके काम के नहीं हो, उनको आप हटा दें और जो कोड आपको कन्वर्जन दे रहे हो, जो एरिया के पोस्ट कोड और पिन कोड आपको कन्वर्जन दे रहे हैं, केवल उन पर एड रन करें आप। और जो एरिया है जिनसे आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा है उनको आप एक्सक्लूड कर दें। इवन बिट एडजस्टमेंट भी आप कम कर सकते हैं जिन एरिया से आपको कन्वर्जन नहीं मिल रहा है, क्योंकि फालतू क्लिक ना आने से अच्छा है, फालतू क्लिक आने से अच्छा है आपको क्लिक्स ना आए बट कम लोगों को ऐड दिखे, बट हमारी ऐड लो बजट में कन्वर्जन दे के जाए। आपको ज्यादा लोगों को दिखाऊंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा और कन्वर्जन मान लो कम आ रहा है, क्योंकि ज्यादा लोगों को दिखाऊंगे फालतू क्लिक्स भी आएंगे, तो कम लोगों को देखिए बट हमें कन्वर्जन देखे जाए। इसीलिए जिस एरिया से आपके क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, कन्वर्जन कम आ रहे हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर दें या फिर उनका बिड एडजस्टमेंट में उनको 100% 50% डाउन कर दें। ठीक है, ये पॉइंट आप इसका नोट कर लें, देन अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। देन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी एड का क्वालिटी स्कोर में थोड़ा सा ध्यान दें। जब भी आप एड रन करें तो कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर देख लें, क्योंकि अगर आपका क्वालिटी स्कोर सही है आपके कीवर्ड पर, देन आपकी एड लो बजट में परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो थोड़ा सा क्वालिटी स्कोर देखें। क्वालिटी स्कोर आपके लैंडिंग पेज पर डिपेंड करेगा, आपकी एड कॉपी पर डिपेंड करेगा। जो आपने कीवर्ड लिया है वो कीवर्ड आपने एड कॉपी में यूज किया है या नहीं प्रॉपर तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन में, एंड उस कीवर्ड का आपने लैंडिंग पेज में प्रॉपर यूज किया है यानी लैंडिंग पेज की स्पीड कैसी है, रिलेवेंसी कैसी है, जिस टाइप की एड उसी टाइप का लैंडिंग पेज है, ये सब आप बातों का ध्यान रखते हुए अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्वालिटी स्कोर अगर इंप्रूव होगा देन डेफिनेटली आपकी एड लो बजट में परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, सीपीसी आपका कम आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी स्कोर को आज ही इंप्रूव कर, क्वालिटी स्कोर के बारे में आइडिया नहीं है हमारी पुरानी वीडियोस देख ले, उनमें मैंने क्वालिटी स्कोर की वीडियो अपलोड की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं क्वालिटी स्कोर के बाद। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एड शेड्यूलिंग। तो जब भी आप एड चलाएं तो ये देखो ये क्या पे ऑप्शन मिल रहा है एड शेड्यूल का, अपनी एड को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लें। आपको पता होना चाहिए जैसे आपने 2 to 3 days एड रन किया, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपने देखो मैं हमेशा कहूंगा कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से यूज करें, जिससे आपको स्पेसिफिक टाइम पता चले कन्वर्जन्स के। आपको पता चला सुबह 9 से लेके 11 बजे तक मेरे 1-2 कन्वर्जन्स हमेशा आते हैं, तो आप उस टाइम को शेड्यूल कर लें, उस टाइम पर ऐड रन करें, उस टाइम पर ऐड की स्पीड बढ़ा दें, उस टाइम पर ऐड आप हमेशा उस टाइम पर अपनी ऐड को एक्टिव रखें। ठीक है, तो अपना पहले आप अपने ऐड को देखें, कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करें, उसमें आपने प्रॉपर तरीके से आप उसको ट्रैक करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि हमें हमारा ऐड इस टाइम पे, हमारा जो ऐड इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता है, कन्वर्जन देता है, उस टाइम को शेड्यूल करके रखें, देन उस टाइम पे अपनी ऐड प्रॉपर तरीके से चलाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स को याद रखें और अपनी ऐड को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके रन करें, तो आपकी एड लो बजट में भी रन होना स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज और क्लियर कर दूं, कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लेना, इससे आपको कीवर्ड कौन से कीवर्ड पर सेल आ रही है, किस लोकेशन से सेल आ रही है, किस टाइम पर सेल आ रही है, हर एक चीज का आपको कन्वर्जन शो हो जाएगा, देन आप अपनी एड को बहुत डिटेल में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, वीडियो अच्छी लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।